न्यूमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से प्रेस क्लब में बुधवार को प्रेस का आयोजन किया गया था। इस दौरान इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ने अपनी बात कहते हुए 24 से 25 और 26 जनवरी का 3 दिवसीय कॉम्पिटिटिव न्यूमेस्टिक एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। यह आयोजन रामगोपाल महेश्वरी सांस्कृतिक सभागृह में होगा। इस बारे में इंस्टीट्यूट के सदस्यों ने जानकारी दी है। ये न्यूमेस्मेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, हम लोग 6 मेंबर्स हैं, तो ये हर साल ये न्यूमेस्मेटिक एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो ये 12वां साल है जो हम कंटिन्यूशन ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन में कंपटीशन भी होता है और इनवाइटी क्लास, दो कैटेगरी में हम लोग डिस्प्ले करते हैं। पहला कंपटीशन रहता है, इसमें जो पूरे इंडिया से कंपटीशन में जिसको पार्ट लेना है वो आते हैं, अलग अलग थीम्स पे अपने एग्जिबिट करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ और 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस वो उसमें रहते हैं। सेकेंड, कुछ जो बहुत अच्छे एग्जिबिट्स हैं उसको हम लोग को लाना है एग्जिबिशन में डिस्प्ले करने के लिए, तो वो कलेक्शन ऐसे हैं जो पहले किसी को फर्स्ट प्राइज मिल गया वो हो सकते हैं, या बहुत अच्छे हैं जो अच्छी रेयर चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में 2-4 है तो उनको डिस्प्ले पे रखते हैं, तो वो वहाँ रहती है। जैसे इस बार शिवाजी का होन है, जैसे गिने मिने 20-25 कॉइन नोन है ये वर्ल्ड में, तो वो उसको डिस्प्ले में रखा है। 10 किलो चांदी के सिक्के हैं जो बहुत कम इशू हुए वर्ल्ड में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चांदी का सिक्का है, वो डिस्प्ले में रहेंगे, 3 अलग अलग टाइप के, ये सब है उसमें।